के ही हम रेसिपीज बनाएंगे आज। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे निकलनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो आइए इसमें सबसे पहले हम डालेंगे मोटी इलायची। ये हमने मोटी इलायची डाली है, इसमें अदरक लहसुन और प्याज हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा हमने पहले क्यों डाला, क्योंकि जीरा जल जाता है और फिर मसाले में सारा जीरा का जला हुआ टेस्ट आता है, तो जीरा हमने प्याज जब हम डाल दें तब ऐड करना है, ताकि जो जीरा हमारा जले ना। ये देखिए मसाला हमने पकाना है अच्छे से। ये फ्रेंड्स, हमारा मसाला भून गया है, इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और सूखा धनिया डालेंगे और हम टमाटर की प्यूरी और हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, तो हमारा मसाला है बिल्कुल भी लगे। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। ये फ्रेंड्स, हमारा मसाला तैयार हो गया है, ये देखो ये देखो। अब इसमें हम छोले डालेंगे। छोले मैंने उबाल के रखे हुए थे, उसके मोंगरे होते हैं वो निकले हुए थे, मोंगरा छोला रेसिपी, तो हम छोले डालेंगे मोंगरे हुए। इसका पानी भी उसी में ही डालना है हमने। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी आपको, एक बार घर में ज़रूर ट्राई करना, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।